अंबाला में देर रात 290 शराब की पेटियां पकड़ने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो आज अंबाला पुलिस का हाथ बड़ी कामयाबी लगी। आज पुलिस ने अंबाला में अवैध शराब से भरे दो गोदाम पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें भारी मात्रा में शराब और शराब की खाली बोतलें बरामद हुई। बता दें कि इन गोदामों में अवैध शराब प्लास्टिक के कंटेनरों और पानी की बड़ी बड़ी टंकियों में छुपा कर रखी गई थी ताकि किसी को इस धंधे की भनक तक न लग सके। लेकिन अब पुलिस शराब माफिया के तार कहां कहां जुड़े हैं इस बात की छानबीन में जुट गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए अंबाला पुलिस अधीक्षक ने इसकी जांच के लिए एसएसटीटी भी गठित कर दी। देखिए, आप जैसा देख पा रहे हैं कि मैंने अभी यहां स्पॉट विजिट किया है, तो रात को ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, रात को जो चीज़ें हुई हमारे सामने हुई, पता लगा, बहुत सारा कुछ हमारे को जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन किया और सारी जानकारी आपके पास है। मैं तो अभी केवल इतना कह पाऊँगा कि जो अभी हमारे को सामान मिला है, शराब मिली है, उसमें अभी हमें पता लगाना बाकी है। एक्साइज डिपार्टमेंट को हमने बुलाया है, पुलिस हमने लेवल पे कार्रवाई कर रही है। हम केवल ये चाहते हैं कि हम इस मुद्दे की, इस क्रिमिनल एक्टिविटी की तह तक जाएँ। तह तक जाने का मतलब है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिपार्टमेंट्स का मतलब है डिपार्टमेंट्स की जिसके बारे में क्रिमिनल ने उस डिपार्टमेंट को छला है, चाहे वो शराब महकमा है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, नंबर वन। नंबर टू, अभी हम ये मौके पर जैसा देख पा रहे हैं शराब है, अब इसमें ये देखना है वो शराब असली है कि नहीं, शराब कहीं नकली तो नहीं, असली है तो बॉटलिंग प्रॉपर है, लेबलिंग प्रॉपर है, कहाँ से आई है, कहाँ जानी थी, गोदाम किसका है, ठीक है, रेंटेड है, कैसा है, सारी जानकारी हम लेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसके बाद ये इसको हम तह तक जाएंगे और ये देखेंगे इसमें किस किस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व है और क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, रेंट एग्रीमेंट मैंने सरसरी तौर पे पढ़ा है, मैं जो चीज़ जानना चाहता था यहाँ पे, अभी तो हम इस केस को स्टडी करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, ये तो अभी ये वो कार्रवाई है जो हम स्पॉट विजिट कर रहे हैं, अभी इस केस को प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। कितना बड़ा मामला ये जो है देखिए, जैसा आपके सामने है इन्फॉर्मेशन थी, रात को एक गोदाम मिला, अभी सुबह हमें पता लगा, हमें और जानकारी मिली तो बगल में एक और गोदाम मिला है, तो भारी मात्रा में शराब की यहाँ स्टॉकिंग की गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी है, स्टॉकिंग भी है और हो सकता है कि कहीं आगे जहाँ सप्लाई है वहाँ से क्या गठबंधन है, क्या संबंध है, प्रॉपर चेन क्या है, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें केस में बारीकी से काम करना है। इसकी SIT बना दी गई है, जिससे एरिया के सुपरवाइजर ऑफिसर DSP हैं मदनलाल जी, उनके अधीन हमने SIT बनाई है। हमारे CI इंस्पेक्टर है, इंचार्ज UW है, SHO हैं, साइबर सेल है, वो SIT में काम करेंगे क्योंकि इन सबका रोल रहेगा इससे। आपको लगता है कि ये जो मामला है बड़ा हो सकता है, अंतर्राज्यीय हो सकता है? देखिए, मैं तो इस पे केवल इतनी बात कहना चाहूँगा कि शराब का मसला जो है, शराब बहुत लोग, सारी दुनिया में बहुत लोग शराब पीते हैं, शराब पीने को कोई जगह, कोई एरिया, कोई स्टेट, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, बट मैं मानता हूँ कि जिस लेवल की खेप यहाँ पे इसको स्टॉक की गई है, जो कि इल्लीगल है, नाजायज़ है, नाजायज़ का मतलब ये बनता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो सप्लाई है नाजायज़ तरीके से ही हो रही होगी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट किस लेवल की, वही मैं कहना चाह रहा हूँ बार बार कि हमें देखना पड़ेगा, जाँच करनी पड़ेगी। देखिए, तार जोड़ना ही हमारा काम है, आगे हम यही देखेंगे इसके तार किसी और पास्ट एक्टिविटी या क्रिमिनल एक्टिविटी या इस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधि शराब के मसले में रही है उसके साथ जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैंने जो एग्रीमेंट में देखा है, एक रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी हैं, उस समय 6-7 महीने पहले जो मेरी अभी इनिशियल जानकारी के हिसाब से वो रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने आगे किसी को रेंट पे दे रखा था, किराए पे दे रखा था, जो कि उसका किराया वसूल करे तो उसका एग्रीमेंट है उनके पास। जो चीज़ सामने निकलेगी, मैं केवल ये अश्योर करता हूँ कि इसके अंदर कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा व्यक्ति हम हमारी नज़र से नहीं बच पाएगा और जो गुनाहगार होगा उसको सज़ा मिलेगी। नहीं, जो अभी तक बात सामने आ रही है, जिस तरीके से कल एक खेप पकड़ी भी गई, तो उसमें जो बताया गया है और मेरे ख्याल से FIR में भी वो मेंशन किया गया है, तो वो गत्ते के बॉक्स हैं, जो कुछ गत्ते के बॉक्स हैं और कुछ इस तरीके के बॉक्स हैं जिसमें लेकिन ये ज़रूर है कि जो एक गोदाम, जो पहला गोदाम है, वो गोदाम ये था कि वो जो मालिक है, जो जो जिसके पास रेंट पे दिया हुआ है, वो उसमें एलोवेरा की उसमें उसके पास वो गोदाम है, स्टॉकिंग है, और वहाँ से वो स्टॉक करके वहाँ से एलोवेरा सप्लाई करता है। सोनीपत शराब घोटाले की जांच स्पेशल टीम से करवाने के बाद शराब माफिया पर सख्त हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में भी शराब माफिया को कड़ी चेतावनी दी है।
विज ने कहा कि मामले की जड़ तक जाकर जांच की जाएगी और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जो है वो काफी बड़ा जखीरा अवैध शराब का है वो मिला। पुलिस जांच कर रही है और हर लीड की डेड एंड तक जाएगी, कहां से आई, किसने बनाई, कहां जानी थी, कहां से सामान आया, ये सारी बातों की जांच करेगी और एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। सर कल भी जो है वो एलोवेरा के नाम पर जो है शराब सप्लाई का काम चल रहा था, कल भी एक ट्रक जो है वो पुलिस ने पकड़ा है। हाँ, दोनों ही मामलों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ही मामलों की बात कर रहा हूँ कि इनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने यही कहा है कि हर लीड के डेड एंड तक जाया जाएगा।